लीनियर प्रोग्रामिंग में टॉपिक चला है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वीडियो नंबर 2। इस वीडियोस में हम बात करने वाले मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मैथमेटिकल रूप, ठीक है, यानी कि गणितीय पार्ट उसका कैसे है, ये गणितीय रूप किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लेट देयर बी द एम ओरिजन है और एन डिस्टिंक्टेशन है, ठीक है, यानी कि एन में जो एन है डिस्टिंक्टेशन को उसको कह सकते हैं एन में, और मे नॉट बी इक्वल टू एम, जो एन है हो सकता है कि एम के बराबर हो और बराबर ना भी हो, बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। विच आईथ ओरिजन पासिंग AI यूनिट ऑफ द सेंटर प्रोडक्ट एंड jth डेस्टिनेशन रिक्वायर्ड vj यूनिट द सेम प्रोडक्ट एंड एग्ज्यूम दैट द टोटल एबिलिटी इज इक्वल टू द टोटल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो एबिलिटी है मान लिया जितने हमने प्रोडक्ट बनाए हैं उतने की ही मांग अगर है तो वो आपस में बराबर होंगे, जितना प्रोडक्ट बनाया है उतना ही उससे बाहर निकाल दिया गया या फिर बेच दिया गया है, ठीक है। तो इसके लैंग्वेज यानी मैथमेटिकल टर्म में लिखना है तो इसको मैथमेटिकल पहले बनाया जाए, क्या क्या चीज़ें मान लेते हैं। लेट द एम ओरिजन एंड एन डेस्टिनेशन है डेस्टिनेशंस, ठीक है, यहाँ पे एन में और मे नॉट बी इक्वल टू एम, ठीक है, हो सकता है कि एन जो है एम के इक्वल हो या एन एम के इक्वल ना भी हो, इक्वल हो ही सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। विद आईथ ओरिजन के लिए आईथ ओरिजन एंड पासिंग AI यूनिट आईथ ओरिजन प्रोसेसिंग AI यूनिट ऑफ ए सेंट्रल प्रोडक्ट, यानी कि जो बना है आईथ ओरिजन आईवे ओरिजन में पस इसकी AI यूनिट बना है, ठीक है, AI यूनिट इसका बना हुआ है, ठीक है। AI यूनिट ऑफ ए सेंट्रल प्रोडक्ट ऑफ jth डेस्टिनेशन ऑफ ए सेंट्स ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट है AI यूनिट का, सर्टेन प्रोडक्ट है, निश्चित प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, एंड मतलब एक क्वांटिटी उसकी निश्चित है, उससे ज़्यादा नहीं बना है, ठीक है, AI यूनिट है एंड उसका सर्टेन किसी सर्टेन प्रोडक्ट का AI यूनिट बना हुआ है एंड जेवा डिस्टिंगनेशन रिक्वायरमेंट है, जो मांग है मांग यानी कि रिक्वायरमेंट वो हमने मानी है जेथ की रिक्वायरिंग bj यूनिट, यानी AIG यूनिट बना है सर्टेन प्रोडक्ट का और JV में jth डेस्टिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है bj यूनिट्स में है, ठीक है, ऑफ द सेम प्रोडक्ट। अब बात आती है कि हमने जो बनाया है यानी mb ओरिजिन में nb डेस्टिनेशन में, तो ith ओरिजिन प्रोसेसिंग AI यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट एंड jth उसकी रिक्वायरमेंट है वो bj यूनिट्स में, ठीक है। तो जितना हमारे पास प्रोडक्ट है उतना ही अगर हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास बना हुआ है उतना ही हम परचेज कर रहे हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उसी के बराबर है, तो भी बना हुआ प्रोडक्ट एंड रिक्वायरमेंट दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। एक्ज्यूम मान लिया हमने, सपोज मान लेते हैं एक्ज्यूम दैट द टोटल अवेलेबल, तो अवेलेबल इज इक्वल टू जो हमारे पास है या उपलब्ध है, अवेलेबल माने उपलब्ध होना, टोटल अवेलेबल इज इक्वल टू द टोटल रिक्वायरमेंट यानी कि जो उपलब्ध है वो रिक्वायरमेंट के अगर बराबर है तो उस कंडीशन में आई इक्वल टू समीशन जो अवेलेबल है वो है आई इक्वल टू 1 to m एम बाय टर्म में है एंड AI यूनिट्स हैं उसकी और सर्टेन है उसकी m ओरिजिन से एंड जो रिक्वायरमेंट है आई इक्वल टू 1 to n है एंड bj में है, ठीक है,
नहीं ये वाला जेम है, जे इक्वल टू 1 to n बीजे, यानी कि जितना प्रोडक्ट हमारे पास बना हुआ है उतने की ही अगर रिक्वायरमेंट है, तो समीशन आई इक्वल टू 1 to m ए आई इक्वल टू होगा समीशन जे इक्वल टू 1 to n बीजे। मान लेते हैं सी जे सी आई जे बी द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द 1 unit प्रोडक्ट ऑफ आई एथ ओरिजन टू द जेथ डेस्टिनेशन। अब मान लिया कोई मतलब सी आई जे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है 1 unit के लिए ऑफ 1 unit प्रोडक्ट फ्रॉम आई वे ओरिजन टू द जे वे डेस्टिनेशन के लिए। देखेंगे अब वो कंडीशन भी इसमें लिखनी पड़ेगी या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाना है तो। मान लिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, लेट सी आई जे बी द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 1 unit, 1 unit प्रोडक्ट फ्रॉम आईथ ओरिजन टू जेथ, आईथ ओरिजन से जे वे डेस्टिनेशन के लिए, जेथ डेस्टिनेशन एंड एक्स आई जे द क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एंड एक्स आई जे क्या होगा, जो एक्स आई जे होगा क्वांटिटीज, जितनी क्वांटिटी हमने ट्रांसपोर्ट की, क्वांटिटीज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आई एथ ओरिजन टू द जेथ डेस्टिनेशन, फ्रॉम आई एथ ओरिजन एंड जेथ डेस्टिनेशन, ठीक है, एक्स आई जे वो क्वांटिटीज है जिसको हमने ट्रांसपोर्ट किया है या भेज दिया है। अब बताती है कि यहाँ पे एक्स आई जे हमको फाइंडिंग करना पड़ेगा, है ना, एक्स आई जे कितना भेजा है, इस ग्रेटर एन इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ दिया है तो वो 0 से तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या तो कुछ दिया ही नहीं है, है ना, एंड जे इक्वल टू है 1 to ... एन, हो सकता है मिनिमाइज के लिए आई इक्वल टू 1 to m तक एंड जे इक्वल टू 1 to n तक, इनकी जो जेड होगा टोटल क्वान्टिटीज होगा आई इक्वल टू 1 to m एंड जे इक्वल टू 1 to n एंड सी आई जे एंड एक्स आई जे, ठीक है, ये होगा ट्रांसपोर्टेशन का टोटल कॉस्ट के टर्म में वैल्यूज निकलेगा। यहाँ पे जो समीशन यानी कि जो फंक्शन बना करता है जे इक्वल टू 1 to n हो जाएगा एक्स आई जे, एक्स आई जे के बारे में देख सकते हैं कि ए आई के इक्वल होगा, जहाँ पे आई इक्वल टू 1 to ... m। ऐसे ही अगर ए आई जब आई इक्वल टू 1 to m है, यहाँ पे जे इक्वल टू 1 to लेंगे, जे इक्वल टू 1 से n, आई इक्वल टू इधर 1 to n होगा एंड आई इक्वल टू समीशन इसी प्रकार हो सकता है, समीशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू बी जे हो सकता है प्रोडक्ट एंड जे इक्वल टू 1 to ... n के लिए। इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान सकते हैं, यानी इक्वेशन 3 एंड 4 कॉल्ड द रो एंड कॉलम इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन 3 को रो इक्वेशन कहेंगे, कॉल्ड द रो इक्वेशन एंड इक्वेशन 4 है कॉलम इक्वेशन, ठीक है, तो ये दोनों रो एंड कॉलम इक्वेशन है जो स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कहा था, यानी कि दोनों ही एक्स आई जी की ही पार्ट है, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक साइड में समीशन आई कल टू 1 to m था ए आई एंड दूसरे में था समीशन जे कल टू 1 to n बी जे था, यानी कि एक साइड में जो है एल एच एस पार्ट में एक साइड में था रो इक्वेशन था, दूसरे में कॉलम इक्वेशन था, बट दोनों की दोनों बराबर पार्ट में आएंगे, ठीक है, तो दोनों ही एक्स आई जी के ही पार्ट हैं, एक्स आई जी की ही क्वांटिटीज हैं।